IBN 7 हौसला है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो ऋचा अनिरुद्ध हमारी सहयोगी ने ट्वीट किया था। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा भी आपको प्रेरणा दे सकता है। उसने अपना बिस्किट का पैकेट खोला। हम सबको वही लगता है कि बच्चे जो हैं बिस्किट जहाँ खाएंगे वहीं पे ही फेंक देंगे उसका रैपर, लेकिन इस बच्चे ने उस रैपर को जाके सीधे डस्टबिन में फेंका। एक छोटी सी कोशिश आपको सिखा सकती है कि किस तरह स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया जाए, अपने आसपास को, अपने घर को साफ सुथरा रखा जाए। और आइए सुनाते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने ऋचा अनिरुद्ध की तारीफ की। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। और मोदी के मन की बात के बाद ऋचा के टाइमलाइन पर उनको बधाइयां मिलनी शुरू हो गई है। इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारी सहयोगी ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कहने में आपने जो ट्वीट किया था उसका जिक्र भी किया है, और आपको हम देख सकते हैं कि आपके टाइमलाइन में आपको बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। जी पायल, मेरे लिए एक बहुत मतलब एक सरप्राइज की तरह आया। मैं उस समय खुद कहीं बाहर थी, लेकिन जब फोन आने शुरू हुए तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि किस बात का जिक्र हो रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूं, 2-3 दिन पहले ही ये हुआ था। और पायल, कई बार बहुत मुझे संकोच नहीं कहने में, बड़े जो शिक्षित लोग होते हैं, जो हाई क्लास लोग होते हैं, वो हमेशा हर चीज की जिम्मेदारी गरीबों पर या अशिक्षित वर्ग पर डालना पसंद करते हैं। लेकिन कितनी बार हम सड़क पर देखते हैं कि एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी होगी, उसमें से एक हाथ बाहर निकलेगा, चिप्स का पैकेट सड़क पर जाएगा, या बड़ी बड़ी गाड़ियां रॉन्ग साइड पे चलती हैं, लग्जरी कार्स। आप उनको मैं तो समझाने की कोशिश करती हूँ तो लोग उल्टा कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं। उस बच्चे को उस दिन मैं ऑब्जर्व करी थी एक शॉप पर, मुझे लगा पता नहीं क्या करने जा रहा है। उसने रैपर खोला, उसने डस्टबिन का ढक्कन खोल के उसमें डाला, तो मुझे लगा कि ये बच्चा और उसकी माँ उस दुकान में ही नहीं, उसके आसपास सब जगहों पर पायल झाड़ू पोछा करती है। छोटे से एक साधारण से स्कूल में वो बच्चा पढ़ने जाता है। लेकिन जो लोग दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं ना कि हम तो बहुत साफ रखते हैं, दूसरे गंदगी करते हैं, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो गंदगी करते हैं, मुझे लगा आज पता नहीं कहाँ से ये थॉट आया कि मुझे इसकी फोटो डालनी चाहिए। और सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस फोटो के बारे में इतनी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल ऋचा, और ये जो छोटी छोटी कोशिशें जो होती है ना, वही है जो बड़ी चीजों को अंजाम देती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए।